This one back, my right hand. आज के इजलास की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं आज के इजलास के तकरीब सदर जनाब अलहाज सैयद नूर हुसैन शाह साहब से दरख्वास्त करूँगा कि अपनी सीट पर तशरीफ लें। साथ ही आज की तकरीब के हमारे जो दो चीफ गेस्ट हैं, एक है जनाब प्रोफेसर मिर्ज़ा अब्राहम अहमद बेग साहब, लाहौर से तशरीफ लाए हैं, उनसे गुजारिश है अपनी सीट पर तशरीफ लें। और आज की तकरीब के दूसरे मेरे चीफ गेस्ट हैं मेरे बहुत ही प्यारे भाई भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, लीडर से मेजर पार्को हैं, फैसलाबाद से तशरीफ लाए हैं जनाब मियां मुंतसर अली शाह साहब, तशरीफ लाए। कर रहा हूँ इब्तदा तेरे मुकद्दस नाम से, खालिक अर्ज़ो समा वाकिफ़ है तू अंजाम से, दे सुकूने कल अपनी माफ़त के जाम से, दामने उम्मीद भर दे दौलत इस्लाम से। आज की कबाड़ की तकरीब की करवाई सबसे पहले मैंने हम स्टार्ट करेंगे तलावत कुरान पाक से। तलावत कुरान पाक के लिए तशरीफ ला रहे हैं सनाउर हक साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Yeah.
मदीने की गलियों में खाके शफा है, इसे दिल के जख्मों पे मलके तो देखो, क्या बात है कमली वाले की, पत्थरों को नगीना कर दिया। एक नजरे करम से आका ने जसर को मदीना कर दिया। अब मैं नात के नूपुर शरीफ के लिए दरख्वास्त करूँगा जनाब मुजस्तर खान अफरीदी साहब से। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तमाम अबाब अपने दामन दिल को दुरुस्त से मत्र कीजिए।
सबसे पहले मैं आप तमाम अब आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपनी मुसफियत से आज की तकरीब के लिए वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ लाए। मैं आप तमाम साथियों का भाइयों का तहे दिल से बहुत मशकूर हूँ कि आपने कैप्टन रुझान परफॉर्मेंस अवार्ड्स के अंदर शिरकत करके हमारी इज्जत अफजाई की और अपने दोनों मौजाने चीफ गेस्ट जनाब मिर्जा गुलाम मोहम्मद बेग साहब और मियाँ मसर शाह साहब का भी बहुत मशहूर हूँ कि इतनी दूर से आप लोग इस तकरीब के लिए तशरीफ लाए। अब थोड़ा सा मैं इस अवार्ड के हवाले से आपको आगाह करना चाहूँगा। कैप्टन रमजान अवार्ड मेरे वालिद साहब अल्लाह जन्नत में जगह दे उनके नाम से हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये अवार्ड हमारी पहली तकरीब है, प्योरली परफॉर्मेंस बेस पे दिए जाएंगे। उसमें तमाम डिपार्टमेंट्स इंक्लूडेड हैं, कोई मतलब उसमें ये नहीं है कि फलां जानने वाला है उसको दे दें, फलां जानने वाला है उसको न दें। इसमें प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट के लोग हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे इंशाल्लाह। तो हम चाहेंगे कि इस अवार्ड को हम काफ़ी आगे लेके जाएँ और इंशाल्लाह ताला हमारी ये तकरीब हर साल रिपीट हुआ करेगी। इस साल हम जो अवार्ड दे रहे हैं उसमें कुछ मेरे अपने जो असेसमेंट थे कि लोग अच्छे काम कर रहे हैं तहसील के अंदर उनको हमने शामिल किया है। नेक्स्ट में इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से कमेटी बनेगी, वो फैसला खुद करेगी कि फना फना लोगों को ये अवार्ड दिए जाएं और हमारी कोशिश होगी कि लोग इस अवार्ड्स का इंतज़ार में रहेंगे, ये अवार्ड हमारे हिस्से में आए इतने इंशाल्लाह ये फेयर होगा। और आप जो नई ऑडियंस बैठी हुई है ये सारे हमारे कमेटी के मेम्बर ही हैं। आप हमें बताएंगे कि ये को मैं इंडिविजुअल तो कोई काम नहीं कर सकता हूँ ना फिजिबल होता है, ये सब दोस्तों का तावन होता है, उनसे मिल के हम लोगों ने ये काम स्टार्ट करना होता है। अब कैप्टन रमजान सर, अब इनके बारे में एक्चुअली मैं जो यहाँ खड़ा हूँ मैंने यहाँ नहीं होना था, मेरे बहुत ही काबिल एहतराम टीचर थे मेरे जनाब गुलजार रहमान साहब, उन्होंने ये फ्राइज सर अंजाम देने थे लेकिन उनकी कमर की तकलीफ की वजह से वो थोड़ी लॉन्ग ड्राइव नहीं कर सकते, उन्हें त्रिबला से तशरीफ लेकर आना था त्रिबला डैम से, तो वो इस तकरीब में आज हाजिर नहीं हो सके तो मुझे मजबूरन यहाँ खड़ा होना पड़ा। मैं यहाँ खुद खड़ा नहीं होना चाह रहा था क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं खुद जो हूँ उनकी उस बात बोलूं, लेकिन मजबूरी ये थी कि मेरे पास शायद 10 कोई ऐसा बंदा भी नहीं था कि जिसको मैं यहाँ लाता तैयार करता। दो तीन से मेरी बात हुई लेकिन उन्होंने ज़रा किनारा की चीज़ तैयार की। बहरहाल इंशाल्लाह मैं कहूँगी बेसिकली मेरी ये फील्ड नहीं है तो उसमें गलती भी हो सकती है मुझसे, तो उसको आपने ज़रा इग्नोर कर देना है। तो रमजान साहब का जो तारफ़ थोड़ा सा है कि